अपने आश्रम में देखते व्यभिचार करते रोज कि ऐसा कौन सा भक्त है जो बताना ही नहीं चाहता कि मैं सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और सुबह का सारा साफ सफाई दिए जलाना सारा कार्य करके वो चला जाता है। फिर एक दिन एक संत महात्मा ने छुपकर माँ शबरी को देख लिया कि आज मैं देखूंगा कि वो कौन सा भक्त है जो इतने वर्षों से हमारी कुटिया में सेवा कर रहा है। और उन्होंने शबरी मैया को देख लिया और देखकर प्रणाम किया कि हे माँ तुम धन्य हो कि छुप छुप कर सेवा करती रही और पता भी नहीं लगने दिया कि मैं कर रही हूँ। और शबरी मैया ने अपने माँ पर अपना गुरु बना लिया, गुरु बना लिया, शिक्षा दीक्षा ले ली और माँ अपने नाम जप में रहने लगी। और एक दिन शबरी माँ के गुरु का अंतिम समय जब आया तो माँ शबरी ने पूछ लिया कि प्रभु क्या मुझे मेरे गुरु मिलेंगे या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। तो गुरु ने अंतिम जो उनके समय था अंतिम क्षणों में बोल दिया शबरी मैया से कि तुझे अपने प्रभु को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तेरे राम और रास्ता छोड़ते हुए तेरी स्तुतिया तक स्वयं चलकर आएगा। प्रभु ने वचन दे दिया, गुरुदेव ने वचन दे दिया और माँ शबरी ने अपने गुरुदेव के इसी वचन को निभाते हुए अपना पूरा जीवन निर्वाह किया कि एक दिन मेरे घर मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। ऐसे ही हम भी जहां भी हैं जिस भी स्थिति में हैं अपनी सेवा पूजा को करते हुए इस विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन वो माँ भगवती हमें दर्शन देने अवश्य आएंगे। क्यों नहीं आएंगी माँ, हम पुकारे तो सही, हम कष्ट तो करें, हम अपने ऊपर कुछ मेहनत तो करें, कुछ दया तो करें, हम अपने शरीर को कष्ट ही नहीं देना चाहते। जब भी मौका मिले हमें कोई अच्छा काम करने का, तीर्थ करने का, पूजा करने का, पाठ पढ़ने का, भजन करने का, हम उसको अपनाएं, इसके साथ चले, अपने गुरु के साथ बातें करें, आध्यात्मिक वार्ता करें, प्राणों के अनुसार चले। तो शबरी मैया ने अपने गुरु के वचनों पर रहने लगी और रोज उठती अपनी कुटिया को साफ करती, फल चुन चुन कर लाती कि शायद आज मेरे राम आएंगे। और जब शाम होती फिर निराश हो जाती कि आज भी मेरे प्रभु नहीं आया, न जाने को कौन सा दिन होगा जब मेरे प्रभु राम मेरे द्वार पर आएंगे। क्या हम सभी भी इंतजार करते हैं अपने प्रभु का, रोज कुछ तैयारी करते हैं कि आज मेरे प्रभु आएंगे। अगर ये भाव भी विचार के बारे में तो आए कि आज मेरी माँ मेरे घर आएगी और हम कुछ तैयारी करें तो कितना अच्छा माहौल हमारे घर में हो जाए। सचमुच कोई माँ भगवती है कि हमारे घर पर अवश्य आ पहुंचेगी।